होके बैठी हो अभी। आपने क्या वो थोड़ी रही हो आप है? क्यों रहे हैं? आ जाओ चिपक गया ना वो सब रब। ये तो बेटा स्पून निकलते तो खिला रही हूँ आशा को। ये लगाया है जी हम पर स्पून जान तो दिल नहीं कर रहा। फाइनली जी हमारा पिज्जा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। पक्की बात है? फिर सोच लें एक दफा। पक्की बात है? पक्की बात है। आपकी पैंटी उतरी हुई है, पेपे भी छोटे हो गए, इसका मतलब मेरे बच्चे की नाइया होने लगी है। रोलो रोलो जा रही है मामा लेके नाइया करवाती। मामा नहीं खाली लेके जा रही, मैं भी साथ लेके जाऊंगा, दोनों नाइया करवा के आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप भी ठीक होंगे। आप कुछ कह रही थी? हाँ मैं कहने लगी थी, आप कह रहे हैं नहीं करवाने लगे आज हम ना इसकी बाथर पे फर्स्ट टाइम नहीं करवाने लगे। बेबी बाथर के ऊपर फर्स्ट टाइम नहीं करवाएंगे आज। यहाँ पे जी अब्दुल्ला का टॉवल पेपे सारा कुछ बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है। इतने तो सही बात है, मैं कभी कपड़े इस्त्री करके नहीं पहने जितने आपने बच्चे के इस्त्री कर दिए हुए हैं। बिल्कुल प्रेस प्रेस करके रखे हुए हैं। नहीं करती है, वैसे एक बात कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला छोटा उसके प्रेस हुए हैं। उसे बात करते करते हमारे बच्चे ने जो उनसे दूध निकाल दिया, अभी एक साथ उसको साफ करिए और अब हम इसको लेके जाने लगे हैं वॉशरूम में, जाकर उसकी नाइयां करवाते। और मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ पढ़ाइयां कर रहा है। ठीक है पढ़ लो, सारा कुछ पढ़ दो, सब कुछ पढ़ देना और इसको लेके चलते। वैसे आपका क्या मूड है नाइयां करने का? मूड है आपका है मुझे नहीं करने का, है मुझे नहीं करने का, पकड़ के ले आए एक्सरसाइज को। नहलाने को तो हम सादे तरीके से भी नहला सकते हैं, लेकिन जब एक फैसिलिटी आपके पास है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर बात है इसके ऊपर पैसे लगाए। हाँ साबुन सुबन लगाते हैं बच्चा फिसल जाए ना, ये भी डर लग रहा था, लेकिन ऐसा जल्दी जल्दी करें इसके पेपर उतार के लेके आए। जी सारा सामान यहाँ पे बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, बच्चे के भी पेपर शेपे रेडी हो रहे हैं। आ जाओ नहीं करवाए, नहीं करवाने लगे इसे दुनिया जहाज का जोर लगा दिया है सारा। चिपक गया ना वो सब रबड़ है ना, वो इस तरह का है कि बेबी स्लिप नहीं होता, इस वजह से इस तरह हुआ है। अब भी पहुंच गई है देखने के लिए हैं, आप भी नहीं देखने लगी है। लेकिन बेबी खुश खुश हो गए ना, बेबी तो बहुत हैप्पी है। आप भी ऐसे खुश रख, नहीं तो आज तो मेरे बच्चे ने भी खुश हो गई नहीं की थी। हाँ जी कैसी हुई है फिर नाइया? बहुत मजे की, मजा आया, सुकून आया नाइया करके। टीडी पे मामा ने शैम्पू भी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया, पापा ने भी शार्ट लगाया है जी। हम फ्रेश होके आ गए हैं बिल्कुल। अच्छा, हम दोनों ही पकड़ के इसको चले रहे होते हैं, अकेले से नहीं होते। नहीं हम दोनों ही भाई मिलके कर लेते हैं, ठीक हो जाता हमारा काम, बिल्कुल सही चल गया। देखे बच्चा बिल्कुल सही नाइया करके वापस भी आ गया, फ्रेश हो गया बिल्कुल। अक्सर इसको पाउडर शाउडर लगाए, लोशन वगैरह लगाए, ऑयल शॉयल लगाए, इसको रेडी कर दे। दूल्हा को हम बाहर ही ले आए हैं और अक्सर बनाने लगी मेरे ख्याल से पहले चाय, और चाय के बाद हम लोग बनाएंगे खाना। आज खाने में वैसे क्या है अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या है खाने में। पहले चाय बनाना, चाय पीते हैं। मैं अक्सर से आगे पूछ रहा हूँ, इसका सारी इधर नहीं होना चाहिए था। अक्सर कह रही नहीं जहाँ मर्जी लिटा दे, कौन सा मसला है। नहीं वैसे इधर भी ठीक है, मैं वैसे पहले इसको दूसरे पे करता हूँ। जी 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 अच्छा, और अभी हम आपकी क्या ट्रेनिंग कर रहे थे कि अब आपने स्कूल जाना शुरू करना है, और आप हमें आगे से क्या कह रही थी, इधर आना जरा स्कूल जाना है आपने, जाना है इधर, मान गई है हमें तो आपसे बैठी कही जा रही, मैंने नहीं स्कूल जाना, इधर आओ बताओ ना स्कूल जाना है, और एबीसी भी याद करनी है जाके। हाँ। और क्या क्या पढ़ना है? 1 2 3 चलो टीचर ने इसको कहना 1 2 3 इसने कहना स्टार्ट। कौन से स्कूल जाना है बताओ आपने? आपके पास दो तीन ऑप्शन, आपके पास अलाइड स्कूल का ऑप्शन, आपके पास एजुकेटर स्कूल का ऑप्शन है, और भी कौन से ऑप्शन हुए, आपने किस स्कूल में जाना है? एजुकेटर्स या अलाइड? अलाइड अलाइड जाना। अभी देखते क्या करना, अभी तो वैसे बस डिसाइड कर रहे हैं स्कूल जाना है। जो है वो स्टार्ट करवाने वाले। नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मेरे बच्चे का जाके स्कूल में। हाँ इन्हें काला कोल जाना है। क्यों अपनी आंखें पास खड़ी हो गए, प्यास के खराब कर जाए, अनियन के पास सारी आईज में से पानी आ रहा है, देखो ऐसे लग रहा है रो रही हो। बाजो पीछे हो जाओ, मामा क्या कर रही है बताओ? अनियन लगी है जी, उसको अनियन लग गई है। और यहाँ पे हमारी चाय जो है वो तो तकरीबन तैयार हो गई है, लेकिन बेगम साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट तैयार कर रही है, कह रही प्याज वाले आपको पकौड़े बना के देती है, और मेरे फेवरेट पकौड़े हैं, सही बात है ये। और अब मेरे से सबर नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी रेडी कर दे मुझे। बस होने वाले क्या लग रही है? अनियन लग रही है, तो इसीलिए कह रहा हूँ पीछे हो जाओ थोड़ा सा, देखो इधर देखो आई सारी अंदर पानी आ गया, साइड पे ऐसा लग रहा है रो के बैठी हो अभी, वो देखे इसको तो ये लगने लग पड़ना लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, बैठ जाओ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हुआ? वो ले वो तो रोने वाले फेस में चली गई है, ये प्याज का प्याज की वजह से अनियन की वजह से हुआ है ये, आप रो नहीं रही हो? हाँ अनियन लगी है, रो थोड़ी रही हो आप है। और ये भाई को कोई नहीं अनियन लगा, एल ये पता नहीं अब सो रहा है कि जाग रहा है, यही नहीं मुझे समझ लगती आंखें खोल के सोया पड़ा होता है। हाय हाय क्या खुशबू आ रही है ना, सही बात है बड़ी मजे की, और ये लगते ही बहुत मजे के हैं। और इसने तो अक्सा की पूरी कुकिंग रेसिपी साथ साथ एंजॉय करनी होती है।
हैं? अब इतना आंखों में से पानी भी निकल रहा है ना, मैट्रिक इसने करना है, मैट्रिक कर लेना है, तब तक इसको आधी से ज्यादा कुकिंग आने लगी, मैंने सारी काम भी आने लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह आ जानी, क्योंकि आपके पास बैठी हर टाइम सीखती रहती है। मामा अपने लिए पकौड़े रेडी कर रही है, आयशा ने डूडू पीना शुरू कर दिया और साथ मुझे फिश का भी खाना याद आ गया। जब अपना कुछ खाने लगता ना साथ मुझे इनका भी याद आ जाता है। बल्कि अभी मैंने देखा फिश का पानी जो है वो भी चेंज करने वाला हुआ है। अभी मैंने खाना डाल दिया, एक दफा अपना खाना तसल्ली कर लेना, सारा कुछ कर ले, फिर इनका मैं पानी भी चेंज करता हूँ। बाकी बातें तो आपको बताता हूँ, लेकिन ये आयशा का फीडर देखें कैसे अंधेरा हुआ हमारी लाइट की, आयशा का फीडर चमक रहा है ऐसा। बस क्या फीडर की बात है आयशा, आपके सही बात है, आपका तो फीडर भी अंधेरे में चमकता रहता है, रोशनी करता। अब ये वाले फीडर वैसे मुझे दोबारा मिल नहीं रहे, ये जो से ये जलते रहते हैं, ये होना कि मतलब रूम में अंधेरा हो ना रात को तो ये फीडर नजर आ जाता आपको पड़ा हुआ। ले आऊंगा अब्दुल्ला के साइज का तो नहीं मिलेगा, आयशा के साइज का मिल जाएगा। चल जी अभी बैठे बैठे हमारी लाइट चली गई और मुझे यकीन है कि जो सा फ्लैश मेरे मुंह के ऊपर पड़ रहा होगा ना उनसे मुझे स्वेटिंग हुई है, वो तो ऐसे बिल्कुल शाइनर ऊपर नजर आ रहा होगा, बड़ा लाइट ही चली गई है, पता नहीं आज ये क्या सीन बना। अभी तकरीबन कोई 5 मिनट हो गए हैं, अब वेट कर रहे हैं कि हम लोग लाइट आती है कि नहीं आती। और ये जी हमारे पकौड़े खाते खाते हमारे पकौड़े दरमियान रह गए, तो चाय भी पीने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है अब तो, बाकी सही बात है दिल नहीं कर रहा। और अभी हमारा खाना भी जो है वो भी बनाने वाला पड़ा हुआ है, मैं इन दोनों को हवा दे रही हूं। ये देखिए वो लो थे उठ के अंदर, उसको तो गर्मी लग रही है। लाइट हमारी गई हुई थी, हमने सोचा कि चले डायरेक्ट जो है ना बैरिया टाउन चलते हैं, और बाहर निकलते निकलते प्लान बन गया आज की ट्रीट जो सी ना, अभी जो अभी आगे ट्रीट मिलने वाली है आयशा और मुझे, वो अक्सा की तरफ से मिल रही है। क्या बात है, मजा नहीं आ गया अक्सा है। वैसे क्या खिला रही है आयशा, आपने क्या खाना है, KFC खाना है, पिज्जा खाना है या पिज्जा ना करो, मेरा ही पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, सही बात है, मेरा पिज्जा आज ही ट्रीट हमें मिल रही है बेगम की तरफ से। और आपका क्या प्लान है, आपने क्या खाना है, पिज्जा खाना है, क्या खाना है? ये सिर्फ खुशबू ही लेगा, कोई भी चीज हुई ना उसके बाद खुशबू लेगा। बरल जी अभी हम लोग गुजर हैं बिल्कुल आईफल टावर के पास से, और आयशा को बस झूले माइया ना कहीं याद आ जाए, आयशा को झूले ना कहीं याद आ जाए। किधर है ये आईफल टावर? नहीं है खंभा बिजली का, ये आईफल टावर नहीं है, आईफल टावर ना कल परसों से बंद है। किधर है, किधर है, मुझे नहीं नजर, किधर मुझे नजर ही नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा। मुझे लगता है घर वापस जाना पड़ेगा, मुझे मिल ही नहीं रहा, वापस चलते हैं ऐसे। नहीं किधर है, किधर है, दिखाओ, ये है पक्की बात है, पिज्जा ही खाना है, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, छोड़ो जाना। फाइनली जी हमारा पिज्जा आ गया है, और मेरे बच्चे से पता लग रहा है कि बिल्कुल भी पिज्जा देख के आयशा ने कहा है तो वही हम खाने आए, सही बात है, आज ऐसा जैसे ट्रीट है, पिज्जा जो डिसाइड हुआ है ना वो आयशा की तरफ से फाइनल हुआ है डिसाइड, आयशा का फेवरेट है। चलो ये शुरू करें, मेरे बच्चे को शुरू करवाए जल्दी जल्दी से, और ये अभी हमें सिर्फ देख सकता है कि हम लोग क्या आए 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 हम लोग इंजॉय देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं कि मेरी मामा और मेरी बहन क्या कर रही है दोनों, इसको खिला रही हूं आयशा को, ये देख, ये देख। अभी हम लोग आए हैं घर वापस, लेकिन घर आते ही साथ ही हमारे बच्चे को तो गाड़ी में भी ये नहीं था भूल रहा, और घर आते तो इसने मेरे ख्याल से वैसे देख लिया होना, झूला ये लो जी, चलो जी आ गया झूला अब्दुल्ला का, लाए जी पिल्लो भी दे मेरे बच्चे का, रखे जी। क्या कर लिया मेरा बच्चा, ये पहले तेरे भाई को सेट कर ले, चले बेगम डाल दे ख्याल से। हाँ जी आप दिखाएं क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, आयरन। हाँ जी कोई खुशी हो रही है इसके अंदर लेट के, आई चाहिए था ये ही चाहिए था अपनी नहीं आ जाए। अभी बल्कि कल किसी के कमेंट भी आया हुआ था कि अक्सा अभी जो है ना काफी इजी है इस ये झूले की वजह से, और वाकई अक्सा और मैं बहुत इजी, तो फर्स्ट डे जब हम लोग वापस आए थे ना अलीपुर से, हमें समझ नहीं थी आ रही हम खाना कब बनाएं, सफाई कब करें, बाहर कब जाएं, उठे कब, सोए कब, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई काम कर सकूंगी या जितने कपड़े हैं मैं धो सकूंगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर इसमें लेट गया ना, मैं तो बहुत सुकून में, अभी तो इसको मुझे लगता है भूख लग गई है। जी 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 मेरा बच्चा बताओ, देख रहा हूँ बताओ, अब हमारा पिज्जा हमसे मंगवा के खत्म भी नहीं हुआ था, बादल पिज्जे के ऊपर देखे क्या चीज लिखी हुई है, लव एट फर्स्ट बाइट, क्या बात है क्या बात है, लव एट फर्स्ट बाइट, आपको भी हो गया था कि नहीं हुआ था, ओनी बड़ी कमाल की करके आई हो कैचर, क्या बात है। और हमारे पास घर में पड़े हुए थे मैंगो, तो हम बनाने लगे इनका मैंगो शेक, ये दो ही मैंगो चाहिए, चले ये ले। हम लोग अपना शेक बनाने के लिए बाहर आए ही हैं, साथ ही उसको अंदर पता चल गया कि आज मेरे अब्बी अब्बे ने बहुत ज्यादा मेरी तारीफें कर दी हैं, तो मैं शुरू हो जाता हूँ, ये क्यूब्स भी आ गए और दूध रह गया बस, वो जाके उसको देख लें, ओ देखें आप दोनों ने आए बड़े मैचिंग करके कपड़े पहने हैं, हाँ दोनों ने ऐसे मिलते जुलते कपड़े पहने हुए, जी जी हाँ जी, ये तो बेटा स्पून निकलते ही बहुत है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है,
बेगम तो अब चली गई अब्दुल्ला के पास, पता नहीं अभी वो चुप करता है कहीं, फिर शेख उतनी देर मैं बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ। मैंगो छील दें या बना लेंगी आप? आती है उसको थोड़ा सा दूध बना दूं। सो गया है, सो गया है वो, देखें सो गया है, रहने दें। हाँ सो गया हुआ, वैसे ही हो रहा था। अक्सर साथ साथ कर रही है बर्तन वॉश, और मैंने कहा साथ साथ शेख भी रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे बर्तन वॉश करने लगी है, शेख रेडी हो गया है, आयशा और मैं अंदर जाने लगे क्योंकि मैंने एसी ऑन कर दिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने इसको कहा सुबह धो लेना बर्तन, कहती नहीं अभी मैंने धो गई सोने धुल गए हैं। आज जल्दी करें, शेख भी रेडी पड़ा हुआ, सारा कुछ रेडी पड़ा है। आप लोग पिए में आती ही आएंगी तो सारे इकट्ठे पियेंगे, मामा आएंगे ना फिर पियेंगे, ठीक है? मामा कह रही आप लोग पिए लेकिन मामा आएंगी तो ही हम पियेंगे। ओके ओके डन, पक्का बिल्कुल आखिरी फैसला है? हाँ, सुरूर आ रहा है? क्या तो सुरूर आ रहा है? नहीं नहीं वो जैसे कहती है सुरूर आ गया, वो बोलो ना दोबारा। बाकी जब से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर देंगे, अल्लाह हाफिज़।